चक्कर 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 बहुत हमेशा खुश रहे, जो जितनी सारी बीमारी है वो सब दूर हो जाए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आप लोगों ने थंबनेल देख के टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप लोगों को तो फेस देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, मैं अपने बहन के साथ डॉक्टर के पास जा रही हूँ क्योंकि नॉन स्टॉप खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है, बुखार है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मतलब कुछ काम करने की हिम्मत ही नहीं, इतने ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब है। तो देखते हैं डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर क्या बोलता है, आप लोगों से वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो आगे वीडियो में बने रहना और प्लीज़ दुआ करना मेरी जल्दी तबीयत ठीक हो जाए। तो चलिए, आज एकदम मुँह भी पता है कुछ खाने नहीं हो रहा, मुँह भी एकदम कड़वा कड़वा लग रहा है, प्लीज़ दुआ करना जल्दी ठीक हो जाओ। आप लोगों को तो फेस देख के समझ ही गया होगा, आग भी एकदम अंदर चले गए, कोई नहीं। तो चलिए मैं चलती हूँ। और हाँ, आप अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि मैं कोई भी ब्लॉग अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए, फाइनली हम लोग तैयार होकर निकल रहे हैं, जुल्फी भी निकल रही है और बहुत बेकार है, मेरी तबीयत ख़राब है, चक्कर आ रही है, इसको मेरे को पकड़ के लेके जाना चाहिए लेकिन नहीं, आगे आगे भाग रही है, कोई नहीं, चलते हैं। हम लोग पीने आ गए नींबू पानी, पानी ये नींबू शरबत कैसा पी रही, देखो मोबाइल पे बात करके मैंने पी लिया नींबू शरबत, अब पैसा ले रही, फिर चलते हैं आगे डॉक्टर के पास। ये देखिए मैंने लेके आई खांसी की दवाई और डॉक्टर ने उनके पास की भी दवाई दी है, बाहर की भी दवाई दी है, तो ये ले ली, अब मैं खाती हूँ दवाई। तो फ्रेंड्स, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैंने लेके आई दवाई, आप लोगों ने लेकर दवाई खा ली, मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को आवाज़ सुन के तो लग ही रहा होगा किसी आवाज़ हो गई है मेरी, एकदम मतलब खांसी बुखार सर्दी अचानक, मतलब कुछ ना कुछ हो ही रहा है, दो दो दिन से कुछ ना कुछ हो ही रहा है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे, कोई नहीं। तो आज मेरा मन कर रहा है मच्छी फ्राई खाने का, मच्छी का सालन, जैसे सालन तो मम्मी अलग अलग तरीके से बना लेते हैं और मम्मी अलग अलग तरीके से बना लेती, लेकिन आज नानी के हाथ का मुझे सालन खाना है जो हम लोग कोकनी में बनाते हैं। तो मैं सोची कि नानी को बोल दूँ, नानी को मैंने बोला है कि नानी बनाइए, तो नानी आज मच्छी लेके आएंगे, तो कैसा बनाते हैं कोकनी का सालन वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह, और कैसी क्या क्या कौन से मसाला, हम लोग कोकनी का मसाला अलग होता है, मतलब गांव से बन के आता है वो कोकनी का मसाला, तो वो चीज़ वो अलग होता है, तो वो आपको मैं बताऊँगी कैसा क्या बनाते हैं कोकनी का सालन, तो ज़रूर आप देखना, अगर रेसिपी पसंद आई तो कमेंट ज़रूर करना। और नानी के हाथ में सच में बहुत टेस्टी, हम छोटे थे तब से नानी के हाथ का खाते हैं, नानी बहुत अच्छा बनाती है। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से रेसिपी। देखिए मेरे नानी बना रहे हैं करली की मच्छी फ्राई, तो इसमें डाले हैं लहसुन और साफ मच्छी धो के, इसमें क्या डाले नानी, हल्दी पाउडर डाल रहे हैं नानी, मिर्ची और मिर्ची पाउडर। तो सबसे पहले नानी हल्दी पाउडर डालो, नानी बहुत टेस्टी बनाती है, ये देखिए नानी ने डाल दिया हल्दी पाउडर और साथ में डालेंगे ये रेड चिल्ली पाउडर, लाल मसाला है ना नानी, ये है ना, हाँ ये तीखा मसाला है, ये देखिए पहले मसाले को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद मच्छी में लगाएंगे ये करली मच्छी, पानी दे मम्मी, पानी दो नानी को, ये देखिए नानी कैसा कर रहे हैं, इस तरीके से आप भी ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनेगा, ये हम लोगों की कोकनी रेसिपी है। देखिए थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें, इसके अलावा कुछ डालेंगे नानी, नहीं ना, जीरा पाउडर नहीं ना, जीरा पाउडर नहीं ना, डालना है तो डाल सकते वरना कोई बात नहीं, अभी फिलहाल है नहीं जीरा पाउडर, तो ऐसे ही ये कर रहे हैं, वैसे तो लाल मसाले में जीरा पाउडर डालते ही है ना, हाँ नानी नहीं, ठीक है ये देखिए कैसा लगा रहे हैं नानी, यहाँ पे एक जगह पे यहाँ पे सालन तैयार होने के लिए ये सब काट वट के रखे हैं, लहसुन है, ऑयल है, खट्टा है क्या है, ये अच्छे से नानी ने मसाला लगा लिया नानी, ये पूरा हो गया ना, हाँ। अभी फ्राई करेंगे थोड़ी देर बाद, तो ठीक है देखते हैं कैसा फ्राई करते हैं। फ्राई मच्छी निकाल लिए, अब कैसी, अब क्या बनाएंगे नानी, टमाटर मिर्ची लहसुन, हाँ टमाटर मिर्ची लहसुन
ये सब नानी पूरा डालना है टमाटर, ठीक है। देखिए नमक नानी नमक और डालना है नमक। देखिए इस तरीके से पहले ऐसा करना है, उसके बाद खट्टा दूँ। टमाटर को ऐसा छोड़ लेने के बाद नानी डाल रहे हैं ऑयल और उसके बाद मसाले ऐड करेंगे। जो हम लोग डेगचे में फ्राई मच्छी का मसाला मिक्स किया था, मच्छी को लगाया था, वही डेगचे में हम लोग सालन बना रहे हैं क्योंकि वही मसाले यूज़ होने वाले हैं। कितना चम्मच नानी ऑयल लिए? चार पाँच चम्मच। ठीक है, चार पाँच चम्मच ऑयल। देखिए पूरा हो गया। अब इसमें ऐड करूँगी कड़ी पत्ता, कोथमीर भी। ठीक है, एक मिनट। देखिए मैंने कड़ी पत्ता और कोथमीर भी डाल दी। अब नानी मिक्स करेंगे। नानी मिक्स करूँगी। ये है कोखनी। नानी कोखनी में क्या बोलेंगे? कोखनी का सालन को आमचा चिलट सूखा मच्छी का सूखा। आप डाल रहे हैं मसाले। ये हम लोगों का कोखनी मसाला है जो कोकम से हम लोग बना के लेके आते हैं। आज नानी के हाथ का, नानी गांव से आ गए तो हम लोगों ने बोले नानी आज तुम्हारे हाथ का ही खाना खाना है, तो इसलिए नानी बना रहे हैं। टेस्टी टेस्टी। अगर ऑयल कम लगा तो ऊपर से डाल सकते हैं, है ना नानी? ठीक है, अब पानी डालो। ठीक है, अब पानी डालना है। और ये लहसुन नानी ले लिए ना इसमें लहसुन? ठीक है, देखिए इस तरीके से। ये देखिए सालन तैयार, मतलब मसाला पूरे तरीके से रेडी हो गया। अब नानी डाल रहे कड़ली की मच्छी जो हम लोग ने फ्राई के साथ साथ सालन के लिए भी रखा है, तो ये सालन में डाल रहे। देखिए कितनी बड़ी बड़ी है माशाल्लाह। देखिए ऑयल भी गर्म हो चुका है, अब हम फ्राई मच्छी उसमें डालेंगे। बारीक गैस रखेंगे, बारीक फ्लेम को बारीक करेंगे। इस सालन को अच्छे से पका लिए, मैं बताना भूल गई आप लोगों को, एक मिनट। इसको अच्छे से पका लिए, मैं बताना भूल गई आप लोगों को। और ये देखिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है माशाल्लाह। नानी के हाथ का वैसे टेस्टी ही रहता है। और दूसरी तरफ फ्राई तो हो रही है, अब मैंने इसको दूसरे साइड से नहीं तो पलट दिया है। अब जैसी हो जाएगा मैं बताती हूँ आप लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह फिश बहुत ही टेस्टी थी, खाने में भी बहुत 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 अच्छी थी। नानी ने जो तरीके से बनाया बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी। नानी को अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, मेरी दुआ है नानी हमेशा खुश रहे, उनकी जो जितनी सारी बीमारी है वो सब दूर हो जाए, मेरी यही दुआ है। आप लोग भी नानी को दुआ देना क्योंकि मेरे नानी हमेशा बीमार रहते हैं। उन्हें हार्ट का प्रॉब्लम है, उनको शुगर है, उनको मतलब बहुत सी प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ में है, फिर भी नानी हिम्मत करते हैं। प्लीज़ आप लोग उनको दुआ देना, ज़रूर दुआ देना। तो चलिए, थैंक यू सो मच आपने हद तक के ब्लॉग देखा, और कंटिन्यू मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करते रहूँगी। हम लोग जा रहे हैं मार्केट में। आज थोड़ी तबीयत ठीक लगी तो मैं सोची चलते हैं मार्केट, क्योंकि मेरी बहन को लेना था चप्पल, तो हम लोग सोचे चलते हैं मार्केट। चलिए जो कुछ भी खरीदेंगे मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसके नखरे भी बताऊंगी जुल्फी के। आगे वीडियो में बने रहना। चप्पल लेने आई है मेरे लिए? किसके लिए? किसके लिए? मेरे लिए। ले ये देख, बता पेन की। गई है, कोई चप्पल नहीं पसंद आ रही मुझे। क्यों? क्या मतलब अच्छी मिल, मेरे को जैसी चाहिए वैसी नहीं मिल रही। जुल्फी को जैसी चाहिए वैसी नहीं मिल रही है, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे, पूरा मुमरा ढूंढेंगे, लेकिन आज पसंद करके ही चलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलेगा। यस बोल। यस, इसी में की देख।
ठीक है, पसंद है या नहीं। हम लोग आ गए नींबू शरबत पीने के लिए, जो मैं पिला रही हूँ जुल्फी को। मैं पिला रही हूँ ना तुझे, सच्ची सॉरी, जुल्फी पिला रही है मुझे। आप देख सकते जुल्फी कैसा पी रही है। जुल्फी नहीं बना रही वीडियो, सुकून। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम जब भी नीचे जा रहे, जैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं या मार्केट जा रहे हैं, तो हम लोग जूस पी रहे हैं। क्योंकि जूस इसलिए पी रही हूँ क्योंकि मुझे चक्कर 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 बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हम लोग बार बार नींबू शरबत पी रहे थे जब भी मार्केट में जा रहे हैं। तो घर में तो इलेक्ट्रिक पाउडर ला के मैं पानी में घूम के ऐसा पी लेती हूँ। और आप लोगों ने देखा, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक होने के बाद मैं खतीजा के साथ मार्केट से जाके भी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। और खतीजा के नखरे तो आप लोगों ने देखा जुल्फी के, कि कितना नाटक करती है, चप्पल ये पसंद है वो पसंद है। फिर जो मुझे गुस्से में आया उसको लेना पड़ा, वो बहुत सताई। मैं ज़्यादा खड़े नहीं रह सकती थी इसलिए मैं ज़्यादा मार्केट में नहीं हूँ। तो हम लोग घर आ गए फाइनली। तो आप लोग यहाँ तक के ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करना नहीं भूलना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना।